नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अलेक कुमार आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैप्टन वर्ल्ड पर। आइए आज जानते हैं ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें बस 5 मिनट में। तो पहले आप गूगल में जाइए और गूगल में लिखिए NSDL, तो इससे जो खुलेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसे ओपन कर दीजिए। फिर इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे 49A का चूज़ कीजिए, फिर यहाँ इंडिविजुअल, उसके बाद जो श्री श्रीमान श्रीमती अपने हिसाब से लिखिए, फिर उसके बाद श्योर नेम फर्स्ट, उसके बाद मिडिल नेम अगर कोई है फर्स्ट नेम लिखिए और उसके बाद में मिडिल नेम, अगर नहीं है तो मत लिखिए। फिर उसके नीचे आके आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है और एक ईमेल आईडी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपना ईयर चूज कीजिए, बर्थ ईयर, फिर उसके बाद महीना और डेट। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद फिर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। मैं ऐसे जो मेरा ईमेल आईडी, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर, फिर इसके बाद नीचे जो कैप्चा है, कैप्चा को ध्यान से ठीक से देखकर अच्छे से लिखिए और फिर सबमिट बटन में क्लिक कीजिए। तो इससे एक टोकन नंबर जनरेट होगा और जो आपके मेल पर भी जाएगा वो टोकन नंबर, तो यहाँ से कंटिन्यू करके फिर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारा वो फॉर्म खुल जाएगा जिसपे हमें भरना है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी भरना नहीं पड़ता, बस आधार नंबर दे देने से सब हो जाता है। तो यहाँ कुछ फील्ड है, देख लीजिए, यह जो टर्म और कंडीशन है इसे ध्यान से पढ़ लेना एक बार। और यहाँ देखिए आधार नंबर, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं ना पेपरलेस, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये पेपरलेस, जिसके हमको कुछ भी पेपर सेंड करना नहीं पड़ेगा, बस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है 5 मिनट में ही। ये सारा ऑप्शन है, इसे वन बाय वन हमें फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ आके अपना आधार नंबर दे दीजिए, ये रहा, ये मैंने आधार नंबर दे दिया अभी, 12 डिजिट का आधार नंबर होता है जो, वहाँ देना पड़ेगा आपको। और देखिए आधार नंबर देने के बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ, बस एक जगह यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज कीजिए, मेल या फीमेल। फिर देखिए कुछ भी यहाँ चूज करने को नहीं पड़ रहा है, फादर्स नेम यहाँ बस लिख दीजिए, फर्स्ट श्योर नेम जैसे लिखते हैं हम, उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम कुछ हो तो लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट। अभी आ गया हमारा दूसरा स्टेप, यहाँ पे चूज कर देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके बाद कुछ भी लिखना नहीं पड़ रहेगा हमको, सीधे नीचे चले आना। तो यहाँ हमें अपना कंट्री चूज करना है, सिंपली लिख दे IN, लिख देने से भी वहाँ इंडिया चला आएगा ऊपर, तो इंडिया चूज कर देना और मोबाइल नंबर तो पहले से ही है। फिर नेक्स्ट, अभी खुलेगा हमारा ये ऑप्शन जहाँ हमें EU कोड देना है, यहाँ आप इंडियन सिटीजन चूज कीजिए,
उसके बाद ये जो ऑप्शन आएगा वहाँ अपना स्टेट चूज कीजिए, फिर अपना सिटी। तो यहाँ एक ध्यान देना है आपको, तो बहुत सारे एओ कोड एरिया कोड आएगा, पर श्योर नेम के हिसाब से ही हमें चूज करना है। मान लीजिए ये बहरा टाइटल है, तो इसके लिए बी, ए से एफ तक जो भी है 15 लाख से इनकम के नीचे, वो श्योर नेम वाला बी से बहरा है, इसलिए हम पहले वाला चूज कर रहे हैं क्योंकि ए से एफ तक है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन, तो यहाँ माई सेल्फ चूज कर देना। फिर प्लेस का नाम आप अपना, सिटी का नाम देना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ सबमिट करने से फिर आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपका जो फिलअप किया, आप सब सभी लाइनें ज़रा गौर से चेक कर लेना। देखिए यहाँ कुछ भी ऐसा लिखना नहीं पड़ रहा है, बस आधार कार्ड से ही ऑटो ले लेता है ये। कुछ फॉर्म भी आपको डिपॉजिट भी करना नहीं पड़ेगा, कुछ अपलोड भी करना नहीं पड़ेगा, आधार से ही ये सब कुछ ले लेगा आपका। तो यहाँ चेक करके यहाँ आप सबमिट या नेक्स्ट कर दीजिए। ये रहा आप अभी पेमेंट, आपको 106 रुपया समथिंग पेमेंट करना है, तो हम लोग चलिए ऑनलाइन पर पेमेंट कर लेते हैं, इसलिए हम चूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन को। आप अपना एटीएम कार्ड पास रखिए। देखिए ये जो अमाउंट है ये कटने वाला है, और ये इसे सिलेक्ट करके एग्री हो के नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट कर देने से उसके बाद फिर से ये सबमिट कर दीजिए। अभी आप अपने एटीएम को अपने पास ही रखें, तो यहाँ से आप अपना कार्ड चूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो चलिए हम डेबिट कार्ड चूज करते हैं यहाँ पर। डेबिट कार्ड चूज करके आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ भरना है। तो यहाँ मैं थोड़ा कट कर देता हूँ। डेबिट कार्ड का डिटेल्स भरने के बाद आपको ऐसा कुछ शो होगा, जिससे आपके पास ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आ जाए तो यहाँ ओटीपी डाल दीजिए आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जो ओटीपी आएगा उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अभी आपका जो ट्रांजेक्शन एक बार सक्सेस हो जाए तो फिर आपका आधार चेक होगा थोड़ा ऑनलाइन में। हाँ फ्रेंड, आपका आधार नंबर जो है वो मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। यहाँ देखिए 1 मिनट का टाइम लेता है, तो कुछ घबराना मत, बस वेट करना, थोड़ा रुकना, ये ऑटोमेटिकली अपना पेज खुलेगा। ये तो ये देखिए ये जो आ गया, यहाँ से सबमिट कर देना। अभी आपका होगा पेन, जो आधार कार्ड है आधार कार्ड का चेक होगा, तो इसे ऑथेंटिकेट मार देना। अभी सिलेक्ट करके इससे मारना है आपको, ध्यान दीजिए इसे ही क्लिक करना है, तभी क्या होगा ना आपका आधार चेक होगा। कंटिन्यू कर देना यहाँ से। इसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में, उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आधार का ओटीपी। तो यहाँ आपको वो ओटीपी भरना है और सबमिट करना है। तो ओटीपी 2 बार आता है, एक जो एनएसडीएल की ओर से और एक जो आधार सेंटर है वहीं से। तो और एक बार यहाँ देखिए ओटीपी आपको यहाँ एग्री होना है, यहाँ टिक करना है।
यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख दीजिए और एक बार। और इसे सिलेक्ट करके सेंड ओटीपी कर दीजिए। यहाँ और एक बार आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आधार सेंटर की ओर से एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी अभी आप आपको ओटीपी देना है और सबमिट करना है। तो दोस्तों बस ये हो गया, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। अभी अभी देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, अपना वो आधार से अपना फ़ोटो लेके आपका आपका पैन का जो एक्नोलॉजमेंट वाला फॉर्म आपको यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड, पासवर्ड आपको डेट ऑफ बर्थ ही देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड दीजिए यहाँ पर और फिर ओके कर दीजिए। ये देखिए ये खुल गया आपका पैन कार्ड का एक्नोलॉजमेंट फॉर्म। फोटो डायरेक्ट आपका आधार में जैसा फोटो होगा वही फोटो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ ऊपर देखिए ये दो पेज का फॉर्म ऐसे खुलता है, आपको इसे सेंड फेंड करना कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको सेंड करना ही नहीं है इसे। बस आप अपने यहाँ से ऊपर देखिए एक्नोलॉजमेंट नंबर एक तो लिखा है एन, कैपिटल एन लिख के यहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। ये जो एक्नोलॉजमेंट नंबर ये है एन के बाद, इसे आप ध्यान से रखना है क्योंकि आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद आप इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर कार्ड नहीं आया तो, नहीं तो कार्ड आ जाता है अक्सर। तो इस तरह 5 मिनट में आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। यह हो गया आपका एक्नोलॉजमेंट का फॉर्म, आप प्रिंट भी कर सकते हैं या सेव करके रख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन पैन कार्ड बस 5-7 मिनट में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है अर्निंग लर्निंग और एंटरटेनमेंट का, आप यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं, और टेक्निकल हो, ब्लॉग हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो, कुछ भी टाइप का वीडियोस आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए और साथ ही वो घंटी को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि घंटी दबाने से आपको हमारा वीडियोस, हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पर आपका आ जाएगा। तो रहते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।